एक माँ जिस बेटे को 20 साल में जेंटल बनाती है, एक लड़की उसे 20 मिनट में मेंटल बनाती है। So what should I call you? समिया, तो अबीरा कहाँ गई? अबीरा मेरा निकनेम है। आपकी एज क्या है? कितना कमा लेती है मंथली? शादी का क्या प्लान है? इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड में। Do you have any boyfriend? No. Any fiancé? ये आहिस्ता आहिस्ता ना वो सारे राज निकलवाती। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माहिरा बट और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आपकी मुलाकात हम नित नए स्टार्स के साथ तो करवाते ही रहते हैं, तो हमने आज सोचा कि एक खूबसूरत एक हसीन लड़की से भी मुलाकात करवाएं और उनके कुछ राज जानने की कोशिश करें। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी टिकटॉकर मौजूद हैं। उनका नाम क्या है ये तो मैं उन्हीं से ये जानना चाहूँगी, पहला सवाल करना चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए? बिकॉज देयर आर टू नेम्स एंड आई एम कंफ्यूज्ड। व्हाट शुड आई कॉल यू? समिया। समिया, तो अबीरा कहाँ गई? समिया, पहला सवाल तो ये है। अबीरा मेरा निकनेम है। पहले सोशल मीडिया पे मैं अबीरा के नाम से थी, फिर मैंने चेंज करके रियल नेम रख लिया था, समिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कुछ लड़कियां जब सोशल मीडिया पर आ जाती हैं या स्टार्स बन जाती हैं तो अपना रियल नेम छुपा लेती हैं, जैसे कि एक हमारी बहुत फेमस टिकटॉकर हैं डॉली, बट असल नाम नौशीन है, बाद में डॉली होगी। तो लोगों को ये भी एक परसेप्शन है कि शायद आपने इसलिए किया है। नहीं, मेरा पहले रियल नहीं था, मैंने तो अब रियल रखा है। मैंने पहले निकनेम रखा हुआ था, फिर जब ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए फिर वो उस नाम से जानते थे मुझे, फिर मैंने इसलिए रियल कर लिया कि लोगों को रियल नेम पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कहीं पर जाऊँ वो आईडी कार्ड वो पहचानती ही नहीं है, नाम का इशू हो जाता है। अच्छा, आपने आईडी कार्ड का क्योंकि जिक्र किया है, वैसे ये सवाल लड़कियों से अमूमन करना नहीं चाहिए, कहते हैं ना खवातीन से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी तनख्वाह के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं कितनी स्टबन और ढीठ हूँ, तो मैं फिर भी पूछ लेती हूँ कि आपकी एज क्या है? 22। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या तालीम है आप? BA। आपने BA कहाँ से किया? यूनिक से। यूनिक से किन सब्जेक्ट्स में? आर्ट्स में। आर्ट्स में किया जो है, मैंने जिम में किया हुआ, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हाफ किया हुआ, हाफ में छोड़ दिया था। अच्छा, यानी आप फिटनेस फ्रीक भी हैं? हाँ जी, मैं क्लासेस करवाती हूँ, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, बाकू से सर्टिफाइड हूँ, इंटरनेशनल सर्टिफाइड। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, फिर एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि आई रियली लाइक योर पर्सनैलिटी, यू आर क्वाइट बल्की और लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आपने जैसा कि बोला कि यू आर अ फिटनेस फ्रीक, तो आप खुद अपने आप को बहुत, जैसे आजकल लीन लड़कियाँ हम टिकटॉक पर देखते हैं कि बहुत ही मेरे टाइप की लीन लड़कियां फिर रही होती हैं जो हवा भी चले तो उड़ जाती हैं, तो आप फिर इस तरफ क्यों नहीं आती? मुझे नहीं पसंद। मेरे मुंह पे बोल रही हैं कि मुझे तुम जैसी लड़कियां नहीं पसंद। किसी पे सूट करता है, किसी पे नहीं सूट करता। पहले मैं बहुत ज़्यादा, मेरा वेट 52 था, काफ़ी देर 52 रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रोज़ मैंने पाँच छः क्लासेस लेनी होती थी, तो आपका वैसे नेचुरल वेट कम हो जाता है। अब मैंने वो फील्ड छोड़ दी हुई है, मतलब काफ़ी देर हो गई, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने स्टडी की हुई है इस बारे में, इंटरनेशनल सर्टिफाइड हूँ, तो इस वजह से मुझे इसका एक्सपीरियंस है। अगर मैं वैसे गोल्ड स्पा में, शेप्स में, मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो जिम है उनके स्टूडियोज रन किए हुए हैं, मैं उधर क्लासेस करवाती थी, तो इस वजह से, और वैसे भी मैंने अब जिम छोड़ा हुआ है, इस वजह से भी दूसरा मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, ज़्यादा स्मार्ट हूँ। अच्छा, एक हमारी सोसाइटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू कह लें या परसेप्शन कह लें कि वो लड़कियां ही टिकटॉक की तरफ आती हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती या जो बहुत बैकवर्ड एरिया से होती हैं, तो उनको एक कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें क्योंकि फ़ेम हासिल करना है तो हम टिकटॉक पर आकर ही फेम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने क्वालिफिकेशन का बताया, माशाल्लाह आपने BA किया हुआ है, आपके पास डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, तो फिर टिकटॉक की तरफ आना कैसे हुआ? मैं असल में शेफ़ भी हूँ। शेफ़ हूँ, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे कुकिंग स्टार्ट की थी, तो कुकिंग स्टार्ट करने में मुझे डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट ने कॉल करना शुरू कर दिया था कि आप आएँ हमारे डिफरेंट चैनल्स पे जाके रिप्रेजेंट करें, फेस आपका होगा, फूड हमारा होगा। इतना कुछ आप कर रही हैं, आप शेफ़ भी हैं, आप ट्रेनर भी हैं, यू आर टिकटॉकर, यू आर क्वालिफाइड, यू नो बहुत कुछ आपने किया हुआ है, कितना कमा लेती हैं मंथली? ये राज है। इट्स ओके, आई मीन चले आप बाकी लड़कियों को थोड़ा मोटिवेट कर दें, हमें पता चल जाए कि भाई महीने का इतना तो बन जाता है। सच बोलूँ कि झूठ? सच बोलें। चुप, मुझे उठा के ले जाएंगे। अच्छा, टैक्स वाले? नहीं, और भी बहुत लोग हैं। अच्छा, फिर भी कितना? डिपेंड करता है, अगर आपको कैंपेन ज़्यादा आ जाए, वैसे अगर ओवरऑल जो मेरी सही सैलरी जो है, जो मैं परमानेंट मुझे मंथली आ जाती है, वो 4 to 5 है। 4 to 5 लाख?
आप आज के दौर की बात कर रही हैं जब हमारी इकोनॉमी के क्राइसिस चल रहे हैं, यहाँ पे लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, आप 4-5 लाख महीने का, और ये भी आप मिनिमम बता रहे हैं। हाँ, जो मुझे मंथली आ जाता है, लेकिन जो उसके अलावा जो ऊपर कैंपेन वगैरह हैं वो अगर हमें अच्छी आ जाए तो फिर इससे अच्छा हो जाता है। अच्छा, अभी आपने बोला कि अगर आपने असल तनख्वाह बता दी तो लोग आपको उठा कर ले जाएंगे, लेकिन वो कौन से लोग हैं, आपको कभी थ्रेट वगैरह मिला है? क्योंकि जब कोई फेमस होता है तो हमने देखा है थ्रेट भी मिलते हैं। मैं कौन सा गैंगस्टर हूँ, मैं तो एक मासूम सी बच्ची हूँ। मासूम सी बच्चियों को आजकल उठाया जा रहा है ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, मुझे मार खानी है। मैं कराटे मास्टर, मैंने कहा एम किया हुआ, मैं MMA के मास्टर हूँ, तो मुझसे मार खानी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल और, मे बी आप माइंड करते हैं, बट इट्स ऑल अप टू यू, ये प्राइवेसी कंसर्न होता है हर एक का। आपका आपकी मर्जी, आप जवाब दें ना दें, शादी का क्या प्लान है? इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड में। डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? एनी फियांसी? मतलब शादी का प्लान अगर इस साल के एंड पे है, अभी जून तो आ गया, तो 6 महीने में लड़का तो यानी मिल चुका होगा ना? तलाश जारी है। तो आपको लगता है कि 6 महीने में लड़का मिल जाएगा और दिसंबर तक शादी हो जाएगी? मिल भी गया और नहीं भी, डिपेंड करता है। ये क्यूरियोसिटी है। अच्छा, यानी ये मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को लाइक करती है, बट यू आर नॉट श्योर कि अभी शादी होगी कि नहीं। नहीं, मैं किसी को लाइक नहीं करती। वो आपको लाइक करता है? हाँ, वो आपको लाइक करता है। चले, एटलीस्ट अब किसी पॉइंट पे तो पहुंची, दैट देयर इज समवन हु लाइक्स यू। ही इज अ टिकटॉकर? ना ना, टिकटॉकर नहीं है। फिर वो क्या करता है? शेफ? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है, लाहौर से ताल्लुक रखता होगा। कौन सा बिजनेस है ये? तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना वो सारे राज निकलवाती जा रही है। तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ आप हमें भी देना कि आपकी शादी किससे होने जा रही है, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले। बिजनेस रहने तो पता चल जाएगा सबको। अच्छा चले, अब आपने क्योंकि खुद बताया कि आप के जो भी लाइफ में है वो एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन हम जानते हैं कि माशाल्लाह कितना कमा लेते हैं, तो क्या वो बिजनेसमैन है, उन्होंने ही आपको हेल्प आउट किया है रेस्टोरेंट वगैरह बनाने में भी? नहीं नहीं, मैं खुद खुद किया है। लेकिन शादी के बाद तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, वो काम करने देते हैं कि नहीं। अच्छा, यानी अगर आपको काम वो नहीं करने देते तो आप टिकटॉक छोड़ देंगे? नहीं, टिकटॉक से मना नहीं किया हुआ कभी, कभी नहीं। वो नो, मर्दों का कुछ पता नहीं होता, वो कहते हैं ना शादी से पहले मर्द कुछ और होते हैं, शादी के बाद मर्द कुछ और होते हैं। तभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं करूँ कि ना करूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है कि वो कन्फ्यूज़ है, मतलब आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते नहीं है कुछ बात की डर है, यू नो। हाँ, मैं इंडिपेंडेंट है, हमें क्या टेंशन है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी बहन का भी एक रेस्टोरेंट है, वो आपकी बहन का सोलो रेस्टोरेंट है या उसमें आपकी भी पार्टनरशिप? नहीं, सोलो है, उनकी दूसरे पार्टनर्स हैं, मेरे साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है उनकी। अच्छा, सो आपकी आपकी बहन के साथ बॉन्डिंग कैसी? बहुत अच्छी। फिर आपकी बहन ने आपको पार्टनरशिप क्यों नहीं बनाया, दूसरों को क्यों बनाया? असल में उसकी भी सेम ही फील्ड थी फिटनेस की, हम दोनों ने क्विट किया था, एक साथ ही किया था, और हमने दोनों ने एक साथ ही लॉर्ड ऑफ फूड में काम किया था, तो फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मिल गए थे। उसने वो आगे फ्राईवे में चली गई थी और मैंने फिर चेंज करके किसी और, मतलब काफ़ी देर हम दोनों ने साथ भी किया काम, फिर छोड़ के मैं दूसरे रेस्टोरेंट में क्विट कर वहाँ पर चली गई थी, तो इस वजह से उसके वो फिर उसने वहाँ पर काम स्टार्ट किया था, फिर उसे काम करते करते ही उसने वहाँ पे पार्टनरशिप कर ली। व्हेन इट कम्स टू टिकटॉक, तो हम देखते हैं कि बहुत सी वल्गर टिकटॉकर्स भी हमें नज़र आती हैं, जो बहुत वल्गर कंटेंट भी वहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं, उनकी वजह से बाकी टिकटॉकर्स को भी उसी में गिना जाता है। क्योंकि जब भी लेकिन जब भी टिकटॉक का नाम आता है तो कोई भी फैमिली हो तो वो एक बार ऐसे तो हो जाती है कि लड़की टिकटॉकर है। तो ये पहले तो ये बताएं कि आपको सबसे वल्गर टिकटॉकर कौन सी लगती है? सबसे वल्गर टिकटॉकर कंटेंट आपको लगता हो कि जो है बड़ा इनअप्रोप्रिएट है, फैमिली के देखने वाला नहीं है? मैंने आज तक कोई नहीं देखी। कम ऑन, आप देखा तो होगा, यू आर टिकटॉकर, आपको बाकी टिकटॉक आप मिलती भी होंगी सबसे, आपको आइडिया तो होगा। मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ, लेकिन टिकटॉक पे काफ़ी लोग वल्गर हैं, जैसे अजीब अजीब सी एक लड़की है, दानिया करके नाम है, एक आमिर लियाकत की वाइफ, तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है ना। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। लेकिन अब क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आमिर लियाकत क्योंकि अब हमारे में नहीं रहे हैं, तो उनकी डेथ पर भी जो उनकी मिसेज हैं, थर्ड मिसेज, उन्होंने वीडियो बयान एक जारी किया, आपको क्या लगता है वो फेक है रियल? बिल्कुल फेक है, क्योंकि देखें आपको आपके हस्बैंड जैसे भी हैं आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि वो कैसे हैं, वो एक उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो जैसे भी हैं, एक कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो जैसा भी है, तो उन्होंने वो नहीं की, वो नहीं की, वो फेक हैं, और उन्हीं की ही टिकटॉक मुझे देखना बिल्कुल नहीं पसंद, मैंने दोनों ब्लॉक किया पर्सनली।
अच्छा मुझे ये बताएं कि यकीनन आपके बड़े यू नो गेट टुगेदर्स भी होते होंगे, सबसे ज़्यादा एटीट्यूड किस में है, कौन से टिकटॉकर में? सबसे ज़्यादा अभी तक मैं जितनी टिकटॉकर से भी मिली हूँ उनमें तो नहीं है। हाँ मैं कराची नहीं गई अभी तक, मैंने सुना है वहाँ पे लोगों में, लेकिन जितने लोग मुझसे मिले, मैं खुद बहुत फ्रेंडली हूँ तो वो मेरे साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। हाँ आर यू अ फूडी, खाना पसंद है आपको? हाँ ज़ाहिर सी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्योंकि आपने बीच में जिक्र किया था एक बिजनेसमैन का जो आपके लाइफ का हिस्सा है, तो वाई नॉट उनके लिए, क्योंकि आज मौसम भी बड़ा प्यारा है, ये लोकेशन बहुत प्यारी है, यू नो वेरी रोमांटिक लोकेशन, तो उनके लिए कोई गाना गा दें आप। आप चाहती हैं वो भाग जाए? मुझे अगर वो मोहब्बत करता हुआ तो भागेगा नहीं, गाना गा के मतलब लाइक क्यों भागेगा वो? डर जरूर जाएगा। ना गाना नहीं, पहले कोई उसके लिए कोई शेर सुना दें, कोई दो लाइंस कुछ भी, प्यार की खातिर इंसान इतना तो करता ही है। मैं इतनी रोमांटिक नहीं हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ आप रोमांटिक हो जाएं। मुझसे नहीं हो जाना, आपका अंदर का रोमांस निकालना चाह रहे हैं बाहर, आप थोड़ा सा आज निकाल लें। क्या मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या गाने की लाइन ऐसी बोल दें, गुनगुना गुनगुना क्या दूं मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब टिकटॉकर्स का तो हमने सुना है बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, यानी आप फेल हो गई है कॉन्फिडेंस के लेवल पर। मैंने वहाँ पे की कुकिंग है ना, आप मुझे ये, हाँ मैं उस टाइम भी यही बोल रही थी कि मतलब टिकटॉक पे जो है आप मुझसे पूछ रही थी कि बड़े वल्गर लोगों को भी टिकटॉक को ही वल्गर कहा जाता है, एक सीधी सी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर जगह पे गलत लोग और अच्छे लोग होते हैं, हर जगह पे होता है। अभी हम कैफे में बैठे हुए हैं, इधर भी पता नहीं कौन कैसा है और कौन कैसा है, तो हम एक चीज़ को जज नहीं कर सकते, लोगों को जज कर लें, बल्कि उनको भी नहीं करना चाहिए। अब तो बहुत वल्गैरिटी कम हो गई है टिकटॉक पे, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इतनी ज़्यादा बिलियन वीडियोज़ डिलीट की गई हैं टिकटॉक वालों ने डिलीट की हैं, तो अभी तक तो टिकटॉक अच्छा ही चल रहा है, और मैंने तो वहाँ पे कुकिंग की है इसलिए मुझे एक्टिंग आती ही नहीं। अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सारा इंटरव्यू बड़ा फन लविंग रहा, वो अलग बात है, आपने गाना नहीं हमें सुनाया, लेकिन एंड पे दो सवाल करूँगी, सेकंड लास्ट वन इज़ के आप पहले तो ये बता दें कि टिकटॉक पर अपनी वीडियोज़ वायरल करने के लिए कौन सी ट्रिक जो है वो अप्लाई करनी चाहिए, जैसे आपकी वीडियोज़ वायरल हों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स मिले। अब जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया हुआ, तो आपको ये अच्छा कंटेंट लेकर आए, लेकिन अच्छा कंटेंट लेकर आए, लोग ये जो कंपटीशन वगैरह करें नहीं, अच्छा कंटेंट लेकर आए, आपकी वीडियो खुद ब खुद ही वायरल हो जाती है। और लास्ट में मैं चाहूँगी जितने भी आपके देखने वाले हैं, जो दस्तक टीवी के देखने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दें। उनके लिए मैसेज यही है कि अच्छा सोचें, अच्छा करें, और मतलब वो तो करते हैं, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अच्छा आप पढ़ती हैं? जी। That's great. This is a very beautiful message. मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत से सवाल जो आपके जहन में थे वो आज क्लियर हो गए होंगे। आपको इंटरव्यू कैसा लगा है हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।